इस सिक्के में प्रॉब्लम थी कोनों पे, तो कॉइन आपने फेंका है ना, सिक्का चेंज कर दिया, सिक्का बदला गया है। नहीं यार सारी चीजें डिस्कस हो गई, कॉइन डिस्कस क्यों हुआ अभी तक? ये बात तो है। तो चलिए थोड़ा सा पिच के थोड़े से करीब चलते हैं, क्योंकि वहां पर कपिल भाई वहां पर मौजूद है मुंबई में, और वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। तो कपिल भाई आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे पास जो जो आपके लिए सवाल थे वो थोड़ी पिच के हिसाब से हैं, आपके पास कुछ और सवाल है तो बताएं। जी हाँ, मेरा दोनों से सवाल है, आकाश जी से भी और शोएब भाई से भी। वो ये कि न्यूजीलैंड जो टीम लंका के खिलाफ खिलाई थी वही टीम हमारे खिलाफ खिलाएगा, या कुछ ऐसा सोचेगा यार बनखड़े की पिच है थोड़ा बाउंस होगा, चार तेज गेंदबाज खिला दो, यू नो बोल्ट सऊदी फर्ग्यूसन के साथ चौथा भी खिला दो, या फिर रचिन रविंद्रा चैपमैन और सेंटनर ये मिलकर निकाल देंगे 50। तो न्यूजीलैंड कुछ ऐसा भी सोच सकता है क्या? आकाश भाई मुझे लगता है फास्ट बॉलर खिलाएंगे। अच्छा फास्ट बॉलर खिलाएंगे शोएब? मुझे लगता है, मुझे मुझे मेरा मेरा गुमान है, चार मेरा गुमान है कि चार फास्ट बॉलर, क्योंकि यार बॉम्बे का विकेट कैरी करता है शाम को, यार कैरी करता है। मैंने बॉलिंग की हुई वहां पे शाम के वक्त, बॉल कैरी करता है यार इंडिया में, आप जहां पे भी देखा किसी का बॉल पहुंचे ना पहुंचे, फास्ट बॉलर का बॉल आपके फास्ट बॉलर का बॉल पहुंच रहा था, लेकिन शाम को यार हेल्प होती है कपिल, आप मानो ना मानो, ये जो लेदर होता है ना यार, जो नया 10-15-20 ओवर का जो बॉल होता है कैरी करता ही करता है, और इनके सीमिंग है सारे अच्छे सीम करने वाले, फर्ग्यूसन तो पीछे करने वाला है, लेकिन आई रियली बिलीव दैट यू नो स्पिनर को इंडिया तो जान से मार देगा यार अगर एक एक्स्ट्रा, आई डोंट नो, दिस इज माय गट फीलिंग। आकाश भाई आपका क्या कहना है? देखिए मुझे जो लग रहा है ना, ये कल जब हम पिच देखेंगे जी, तो इसपे ना घास बहुत कम होगी, इस पे घास होगी नहीं, बहुत कम होगी, सिर्फ उतनी होगी जितनी पिच को सिर्फ जोड़कर रखने के लिए जरूरी है। तो जब आप ऐसी पिच देखते हैं जिसके अंदर हरियाली कम और लाल रंग ज्यादा दिखता है ना, तो फिर न्यूजीलैंड भी क्या सोचेगा, न्यूजीलैंड कहेगा यार इस वाली पिच पे मेरे फास्ट बॉलर्स के लिए शायद इतनी मदद नहीं होगी, और काइल जेमिसन बाहर बैठे हैं, इसी काइल जेमिसन एक मैच नहीं खेले अभी तक, ये अगर होते मैट हेनरी, अगर मैट हेनरी होते मैं कहता हाँ यार ये इसमें एक्चुअली ना चार खिलाओ, यू टेक अ गैम्बल, मतलब हो सकता है ये आपका बिल्कुल सीधा ना पड़े, पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं हुआ तो ना सही देखी जाएगी। और न्यूजीलैंड इज पॉपुलर, मतलब दे आर लाइक दैट, कि वो ऐसा कर देते हैं कि भाई ये हमारा मेथड है, इस प्रोसेस के साथ हम चलेंगे, सक्सेस मिली तो ग्रेट, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमने चीजें अपने हिसाब से ठीक की। तो जब लेकिन जब केन विलियमसन को पिच दिखेगी ना, तो उनका मन नहीं मानेगा कि मैं एक और फास्ट बॉलर खिलाऊं, क्योंकि सी भारत एक चीज तो जरूर चाहेगा कि अगर बाद में बैटिंग आती है तो ऐसी पिच तो नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर बॉल लेफ्ट राइट बॉल ऐसे घूम रहा है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट और वो टिम सऊदी हाथ में ना आए। भारत को अपनी गेंदबाजी में बहुत गुमान है, हमें एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी पिच पे खिला लो, बिल्कुल। तो फिर जब हमारे बॉलर्स को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो क्यों है आप पिच पे फालतू घास छोड़ दें? नहीं घास वास नहीं दिखेगी, मुझे लग रहा है बस खत्म। जहां तक बात है बॉलिंग की, तो थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें, घास उस पर ज्यादा छोड़ भी देंगे तो प्रोफेसर साहब आ जाएंगे, ये जान के तुम लोग सारी घासें हटवा रहे हो। लेकिन अगर टॉप 10 बॉलर्स की अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप में, जो टॉप 10 विकेट टेकिंग बॉलर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें तीन बॉलर्स टीम इंडिया के दिखाई देते हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा, ये तीन बॉलर्स टॉप 10 लिस्ट में है। न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ एक ही बॉलर है, और आकाश भाई वो बॉलर फास्ट बॉलर नहीं है, वो है मिचेल सैंटनर। तो जहां पर हम बात करूंगा, और आप दोनों के पास ये सवाल लेकर जाऊंगा, कि अगर हम फास्ट बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं जो शोएब भाई कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा कैरी होता है, उस हिसाब से अगर हम मैन टू मैन अगर अटैक देखें, बॉलिंग अटैक देखें न्यूजीलैंड का और इंडिया का, क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं टीम यहां पर ना, कई सारे पेजेस भी कई सारी बातें कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा याद करनी तो नहीं पड़ेगी पिछली बार की तरह, क्योंकि न्यूजीलैंड के पेस अटैक ने 5 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे उस 2019 के सेमीफाइनल में। लेकिन यहां पर 2023 की कंडीशन, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, यहां पर मैन टू मैन अगर बॉलिंग अटैक की बात करें शोएब भाई, क्या टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक से फार मोर सुपीरियर नहीं दिख रहा है क्या? 100% इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे बस ये देखना है कि कल जब इन पे अटैक होगा इंडियन फास्ट बॉलिंग पे, ये कैसे बिहेव करते हैं जी। और वो कैसे तगड़ा मुकाबला करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो पढ़ेंगे आगे से। बुमराह इतनी जल्दी बॉक डाउन नहीं होता, भागता नहीं, डरता नहीं, दलेर फास्ट बॉलर है, ऐसा नहीं कि आप उस पर अटैक करें हाथ पैर फूल जाते हैं, उसको काफी मैंने अटैक होते देखा भी है T20 पे, लेकिन वो कमबैक करता है। तो ये कमबैक ये दो बच्चों के लिए होगा जो सराज और शामी है,
क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट विकेट्स लेने में कामयाब होता है तो आसानी पैदा करेगा सराज और बुमराह, सराज और शामी के लिए, कुलदीप के लिए भी करेगा जी, जडेजा के लिए भी करेगा। वो जडेजा को पहले दायरे में आने नहीं देता, बुमराह की क्वालिटी ये है कि जडेजा को पहले दायरे में आने नहीं देता, हालांकि वो T20 में दायरे में बॉलिंग करता है जडेजा, अच्छा कुलदीप भी करता है दायरे में, लेकिन वो आने नहीं देता क्योंकि बॉलर बहुत अच्छा है, सुपीरियर है फास्ट बॉलिंग, लेकिन कल अटैक होगा, अटैक के बाद देखना पड़ेगा यार, कल मैच ऑन द टोज ही देखना पड़ेगा, कल ये आएंगे से, ये वैसे रल्लू कटा टीम नहीं है न्यूजीलैंड जो है ना, रल्लू कटा टीम नहीं है ये, कल बॉक डाउन होगी, कल ये ट्राई आउट नहीं करेगी, कल ये आपको मुसीबत नहीं डालेगी, ये नहीं होगा, वो करेंगे सही आखिरी दम तक फड़फड़ाते रहेंगे। तो उसी में ही हिंदुस्तान को देखना है कि हमने इनको ज्यादा फड़फड़ाने नहीं देना, ताकि जैसे कुकड़ी नहीं पकड़ते हम, मुर्गी पकड़ते हैं फड़फड़ाती है, तो इस तरह न्यूजीलैंड करेगी, लेकिन आपने वो करने नहीं देना, आपने उसको जबा करना है और जबा आपने गोडों के नीचे दे के करना है, तो वो अगर आप करने में कामयाब हो गए तो गुड लक यार, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी अ बैड डे ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया, रीजन व्हाई बिकॉज दे आर प्लेइंग सो वेल। बिल्कुल, काफी हलाल कन्वर्सेशन, लेकिन शिवाई आपसे ये जो बोलिंग अटैक की बात कर रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, क्या ये बोलिंग अटैक इंडियन पिचेस पर, जिस तरीके से हमने बात करी टॉप 10 बोलिंग